वेलकम टू माय चैनल इजी स्टिच क्लासेस एंड संस्कार वुमेन ट्रेड्स। आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे लेडीज ट्राउजर, जो लास्ट टाइम हमने वीडियो अपलोड किया था, पुरानी साड़ी से डिज़ाइनर सूट कैसे बनाते हैं। उसके साथ जो मैंने ट्राउज़र पहना है वो बताएंगे हम, उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों। सबसे पहले हम कपड़े को ऑन फोल्ड करेंगे। ऑन फोल्ड करने के बाद फैब्रिक की जो सेल्वेज है उसे हम दोनों को एक साइड ही रखेंगे और फिर हम नापेंगे लेंथ। ये हमारी लेंथ है 31 इसलिए लिया है क्योंकि मैं 4 इंचेस इसमें अलग से कपड़ा जॉइंट करूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। उसके बाद हम ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे 11 इंचेस। 11 इंचेस पर हम निशान लगाएंगे, इधर से भी 11 इंचेस पर हम निशान लगाएंगे। अब हम लगाएंगे अपनी वेस्ट का निशान। जो मेरी वेस्ट है वो 32 का 1/4 हुआ 8, उसमें हम 2 इंचेस प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 इंचेस। इसी तरह से दोनों तरफ हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने लिया 11 इंचेस, यहाँ से हम लेंगे 10 इंचेस। उसके बाद 1.5 इधर हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे राउंड शेप के लिए। जो 10 इंचेस हमने लिया था उसके एक सेंटर से निशान लगाएंगे 5 इंचेस पर, नीचे से भी 5 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे और सेंटर से एक लाइन बनाएंगे स्ट्रेट। अब हम नीचे से फिटिंग का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमें फिटिंग नीचे से चाहिए 5 या 6 इंचेस पर, जितना भी आप ओपन रखना चाहती हैं बॉटम। और उसके बाद हमने 1.5 एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। अब यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे और नीचे वाले एक्स्ट्रा मार्जिन से जाके जॉइंट कर देंगे। उसके बाद ऊपर से राउंड शेप देंगे और यहाँ से भी हल्का सा राउंड शेप देंगे और नीचे वाली लाइन से जॉइंट कर देंगे। अब हम एक लाइन बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, जो कि हमारा बॉटम निशान है वहाँ तक। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और ये मैंने 8 इंचेस अलग से फैब्रिक लिया है जिसे ऑन फोल्ड करके मैं नीचे जॉइंट करूँगी। इसे कैसे जॉइंट करना है ये हम आपको स्टिचिंग के टाइम बताएंगे। ये हमारी बेल्ट है जिसे हम ऊपर जॉइंट करेंगे। ऊपर जॉइंट करने से पहले मैं इसे आयरन कर लूँगी। उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट्स को जॉइंट करेंगे दोनों को। जहाँ से हमने राउंड शेप दी थी वहाँ तक जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट्स को जॉइंट किया है वैसे ही हम बैक वाले पार्ट्स को जॉइंट करेंगे दोनों को। फ्रंट वाले पार्ट में मैंने 2 प्लीट्स डाली हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, और इसे साइड से थोड़ा सा फोल्ड किया है। उसके बाद हम इसे उल्टा रखेंगे और बेल्ट को नापेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है और जो एक्स्ट्रा लिया है वहाँ पर मैं एक सिलाई लगाऊंगी। मैंने इसे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और जो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसे वहाँ पर स्टिच करके और वहीं से इसे बैक कर देंगे। जहाँ से हमने इसे बैक किया है वहाँ पर एक हल्का सा कट लगाएंगे
और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम अलग कर देंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसे हम आयरन करेंगे। इसको हम उल्टी साइड से जॉइंट करेंगे और जो मैंने कट लगाया था उसे हल्का सा फोल्ड करते हुए। स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम अच्छे से लॉक कर लेंगे। उसके बाद हम इसे स्टिच करते हुए लाएंगे। अब हम इसे सीधी तरफ पलट कर एक सिलाई लगाएंगे। बैक पार्ट में हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक को मैंने एक तरफ से जॉइंट कर दिया है और इस वाली बेल्ट को भी मैंने आयरन किया है जिससे लगाने में इजी रहेगा। जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में बेल्ट को जॉइंट किया था ठीक वैसे ही हम बैक वाले पार्ट में भी इलास्टिक को जॉइंट करेंगे। एक साइड से रखकर दूसरी साइड पलट देंगे। और मैं आपको बता दूं जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है इसमें उस फैब्रिक को शॉपकीपर रॉ सिल्क बोलते हैं। अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को रखकर जॉइंट करेंगे साइड से। साइड से जॉइंट करने के बाद जो मैंने 8 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसे मैं सेंटर से कट करूंगी। सॉरी, इस वाले फैब्रिक को मैंने 8 नहीं 9 इंचेस लिया है क्योंकि 1/2 इंच हमारा फोल्ड करने में ऊपर नीचे दोनों साइड से चला जाएगा तो हमारा 8 इंच रहेगा। तो 9 इंचेस का 1/2 हुआ 4.5 पर हमने एक निशान लगाया और उसके बाद 2 इंचेस हमने इधर लगाया और 2 इंचेस हमने इधर लगाया। अब मैं यहाँ से इसे स्टिच करूँगी। आप चाहें तो इसे यहाँ से बैक भी कर सकते हैं या फिर अच्छे से लॉक भी कर सकते हैं तो आपको बैक नहीं करना पड़ेगा। और ठीक इसी तरह से हम इस साइड सिलाई लगाएं और उसके बाद दोनों साइड से इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हम फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे ट्राउज़र में जॉइंट करेंगे। ट्राउज़र को मैंने उल्टा करके रखा है। इसको हम उल्टी तरफ से रखकर जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। उल्टी तरफ से जॉइंट करने के बाद हम इसे फ्रंट साइड फोल्ड कर देंगे। इसका जो जॉइंट है और नीचे ट्राउज़र का जॉइंट है वो दोनों जॉइंट से जॉइंट मिलाकर मैंने इसे जॉइंट किया है।
उसके बाद हम अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। ये मैंने अपनी फ़िटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगाए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।